अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बेलापुर में खुला मुख्यमंत्री सचिवालय, अब कोंकण भवन में जमा होंगे सीएम के लिए निवेदन। सीएम उद्धव ठाकरे के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष का सोमवार को बेलापुर कोंकण भवन में शुभारंभ हो गया। राजस्व उपायुक्त सिद्धाराम सालीमठ ने उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। नए कार्यालय के शुरू होने से अब कोंकण के थाने, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी एवं सिंधुदुर्ग जिलों के नागरिकों को मुंबई मंत्रालय नहीं जाना पड़ेगा। नागरिक अब सीएम के लिए अपनी शिकायतें, निवेदन कोंकण भवन में ही जमा कराकर रिसिप्ट ले सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त निवेदन संबंधित विभागों में कार्रवाई के लिए भेज दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी घोषणा थी, विभागीय स्तर पे मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय हो, उस अनुषंगिक 17 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक लेटर हमें भेज दिया। हर डिवीजन लेवल पे ये मुख्यमंत्री सचिवालय का कार्यालय खुले रहे, तो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है उसके पदसिद्ध ओएसडी है उस कक्ष के, और उनके साथ में अन्य कर्मचारी भी वो काम करेंगे। जो लोग मंत्रालय में जाके, बम्बई में जाके मुख्यमंत्री कार्यालय को जो निवेदन अर्जियां देते हैं, उन लोगों के लिए वो बम्बई न जाते हुए उन्हीं सभी डिवीजन के लेवल पे जो भी कक्ष खुले हैं उस कक्ष में जाके उनके जो भी ग्रीवांसेस है वो उनका एप्लीकेशन वहाँ पे देने चाहिए, और उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करके या डिवीजन लेवल पे जो जिन अधिकारियों के संबंधित होंगे जिला लेवल के या डिवीजन लेवल के उनके पास भेज दिया जाता है, और जो भी गवर्नमेंट लेवल डिसीजन लेना है वो यहाँ से गवर्नमेंट को भेजने की अपेक्षा उनमें है। सो टोटली देख लिया तो इस एक्सटेंडेड मुख्यमंत्री सचिवालय की एक्सटेंशन की है, इसमें लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ आके उनके निवेदन या जो भी ग्रीवांसेस है वो यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम सचिवालय कक्ष में प्रशासनिक कार्यों में अधिक गतिमानता, लोकाभिमुखता और पारदर्शिता आएगी। यहां राजस्व उपायुक्त मुख्यमंत्री सचिवालय के पदेन विशेष कार्याधिकारी होंगे। इनके अधीन एक नायब तहसीलदार, एक लिपिक, एक टाइपिस्ट भी कार्यरत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।